वेलकम है जी आपका मॉडर्न किचन ब्लॉग में। आज हम बना रहे हैं मल्टीग्रेन मटर पूरी और साथ में डालेंगे आलू की सब्जी बनाएंगे। जीरा डाला, जिंजर, साथ में डाल देंगे इसमें हरी मिर्च स्वाद अनुसार, अब डालेंगे ग्रेटेड टमाटो, साथ ही में डाल देंगे हम इसको स्वादानुसार नमक, इसे अच्छे से पका लें। टमाटर हमारे पक चुके, अब डालते हैं बाकी मसाले। हींग डालेंगे इसमें, थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम देखेंगे, अब डालेंगे इसमें बॉइल्ड और मैश पोटैटो, अब हम जीरे के तीन साथ पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि अच्छे से जो मसाले जो आलू में मैश हो जाए। अब इसे ढककर पका लेंगे, तब तक करते हैं आटे की तैयारी। हमने एक बाउल ले लिया, उसमें हम डालेंगे आधा कटोरी गेहूं का आटा, आधा कटोरी मूंग दाल का आटा, आधा कटोरी बेसन डालेंगे इसमें और आधा कटोरी ही हम डालेंगे राइस फ्लावर। इन सबको हम छान लेंगे। हम इसमें मटर को बॉईल करके हमने मैश कर लिया। अब इसमें डालेंगे दो छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च मिक्स की हुई। स्वादानुसार इसमें डालेंगे हम नमक, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें अजवाइन क्रश करके, अब थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें ऑयल ताकि हमारी पूरी जो है ऑयल कम। सब्जी हमारी बनकर रेडी है, आटा हमारा तैयार हो चुका है और अब इसमें डालते हैं हम कसूरी मेथी। अब हम रखते हैं पूरी के लिए तेल गर्म। तेल हमारा गर्म हो चुका और हम पूरी पर फ्राई करेंगे। ये पूरी ज़्यादा फूलेगी नहीं, वैसे क्रिस्पी बनेगी और टेस्टी बहुत लगती है। ये सारी पूरियाँ बनकर रेडी है और अब हम इसे करते हैं प्लेटिंग। पहले रखेंगे पूरियाँ, साथ में रखेंगे हम सब्जी और रखेंगे साथ में अचार, प्याज और हरी मिर्च। ये रेसिपी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना।